So, good morning everyone. It's a bright, beautiful Sunday morning here in Noida, where I've come out for a walk and some sunshine. The inspiration behind this video is just a conversation जिससे मेरे मन में ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो आइडिया है वो उभर के आया है सामने. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दोस्तों, गाड़ी कितनी भी महंगी, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, वक्त पे उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, तो वो गाड़ी किसी ना किसी दिन ख़राब हो जाएगी. और जब वो ख़राब हो जाएगी, फिर आपको रिपेयर्स करानी पड़ेंगी, उसको ब्रेक डाउन टाइम होगा उसका, उसमें टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा. द सेम अप्लाइज टू अवर लाइफ, टू अवर बॉडीज ऑल्सो. टेक आउट टाइम फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, राइट? अगर आप अपने फिटनेस लेवल पर, अपने स्किल्स पर, अपने रिलेशनशिप्स पर, अपने फाइनेंसेस पर, इन सब चीज़ों पे अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, यानी उसको मेंटेन करने की कोशिश नहीं, इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको रिपेयर्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ब्रेकडाउन्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा. अपनी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज एक ऐसा खर्चा है, समय का, रिसोर्सेज का, एनर्जी का, वक्त का, पैसे का, जो एक इन्वेस्टमेंट है. जब आप एक्सरसाइज करते हैं टू कीप योरसेल्फ फिट, you are guarding, safeguarding yourself against breakdowns, right? So I think it's much wiser, it's a better strategy to live your life using some preventive maintenance. ki mushkilein hone se pehle aap unka kuch na kuch ilaaj karte jaye. ha phir bhi mushkilein aayengi, completely eliminate nahi hongi, but you'll be in a better position to handle them. So preventive maintenance is not only a concept for factories and machines. I think ye concept hamari life par, hamari fitness par, har aspect par ye apply hota hai. So take out time to maintain your fitness, your skills, your relationships and your finances, so that you don't have to spend time, waste time for breakdowns and repairs. Thank you for watching and bye-bye from sunny Noida here. And don't forget to get some daily sunshine. We've been reading a lot about vitamin D deficiency. भारत में लोगों को vitamin D deficiency होना बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि हमें तो natural sunshine मिलती है, पर आजकल का lifestyle ऐसा हो गया है, सारा दिन AC में बैठे बैठे कि हम धूप नहीं ले रहे हैं, और धूप में ना जाने के कारण जो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है विटामिन डी को सिक्रीट करने की, वो कम होती जा रही है. इस करके काफ़ी लोगों को सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं और काफ़ी और हेल्थ इश्यूज भी लेते हैं. मैं एक ले पर्सन से इतना बता सकता हूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होती है, हमारी बोन्स वीक होती हैं, और हमारा जो टेम्परामेंट है वो भी थोड़ा मोराल लो जाता है, मोटिवेशन लो जाती है. सनशाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, राइट? फेयर एंड लवली की चिंता ना करें, हम बड़ी ऑब्सेशन है हमारे देश में गोरा रंग की, बट सनशाइन ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए, इंटरनल हेल्थ के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट संडे, बाय बाय.